हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर रामगोपाल यादव, उनके भाई जुड़ रहे हैं। राम जी, मुझे एहसास है इस बात का कि आप लोगों के लिए, परिवार वालों के लिए अपूर्णीय क्षति, लेकिन ऐसी ही यह क्षति पूरे देश के लिए है। तमाम राजनेता आज शोक और श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव के लिए। एक भाई के रूप में आप क्या कहेंगे ऐसे दिन? कोई व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल शून्य से खड़ा हो, इतनी बड़ी पार्टी खड़ी की हो, ऐसे कमिटेड वर्कर्स नेताओं के रूप में बना दिए जिन्होंने बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, उसके बाद मिनिस्टर हुए, मुख्यमंत्री हुए तीन बार, देश के रक्षा मंत्री हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी उनका जो कार्यकर्ताओं से जुड़ाव था। और जितना उत्तर प्रदेश के खास तौर से कोई ऐसा जनपद, कोई ऐसा तहसील हेडक्वार्टर, कोई ब्लॉक हेडक्वार्टर नहीं होगा जहां वो न गए हों, और जहां पूरे प्रदेश में कहीं चले जाएं, एक एक जिले में हजारों लोगों को बाई नेम जानते थे, नाम से। कई बार ऐसा हुआ कहीं चीफ मिनिस्टर थे वो अपने कालिदास मार्ग पे गए, बाहर पब्लिक आती थी जब, तो उन्होंने देखा लोग खड़े हुए तो उधर से उन्होंने बुलाया, आदमी आया कि फला नाम का आदमी कौन है, तो हमने तो पर्ची नहीं भेजी थी, क्योंकि उन्होंने देख लिया तो नाम से जानते थे सबको। तो ऐसा मेहनत करके उन्होंने पार्टी, और उस वक्त ऐसे कमिटेड वर्कर पैदा किए थे जो कोई चुनाव हमारा उम्मीदवार लड़ता था उसे कोई पैसा नहीं लेता था, अपनी गाड़ी के डीजल के लिए पैसा नहीं लेता था, मोटरसाइकिल की पेट्रोल के लिए पैसा नहीं लेता था, और पूरी ईमानदारी से चुनाव लड़ता था, चाहे वो भले ही खुद उम्मीदवारी का दावेदार रहा हो, लेकिन अगर टिकट नहीं मिला तो पार्टी के लिए ही उसने जी जान से काम की। ऐसे लोगों को उन्होंने तैयार किया था, और इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि इस व्यक्ति का जाना केवल समाजवादी पार्टी के लिए ही घाटा नहीं है, बल्कि पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए नुकसान की बात है, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम। क्योंकि इस तरह के जब लोग नहीं होंगे तो आप देख रहे हैं आज क्या कम हो रहा है कि किसी भी पार्टी में कौन हो, अगर वो चुनाव लड़ना चाहता है और उसे टिकट न मिला तो अगले कदम ही, अगले दिन ही, उसी वक्त जो है दूसरी पार्टी से मांगने लगता है टिकट, और टिकट ले भी जाते बिल्कुल। तो ये जो है स्थिति, ये मुलायम सिंह जी ने तैयार की थी पौद, उसमें कभी नहीं थी, और सिस्टम तैयार बना दिया था पूरा, तो इसलिए एक बहुत बड़ा नुकसान है उनके जाने से। गाइड करते थे हमें, तो अभी भी मैं उनसे जब वो बिल्कुल स्वस्थ होने को थे और अस्पताल से बाहर आने के थे, उस दिन जब मैं गया 13 अगस्त को, तो हमसे पॉलिटिकल जवाब पूछे थे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, रूस से संबंध क्यों खराब हो रहे हैं, जो हमारा असली मित्र रहा है वो पाकिस्तान के पक्ष में जा रहा है, हमने कहा अब नहीं जा रहा है, यूक्रेन के बाद थोड़ी सी नीति बदली हमारी।